आजकल बॉस शादी से पहले फोटो शूट करवाना बकायदा एक रस्म बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलालन टॉप। इस बात से तो आप वाकिफ ही हैं, लोग प्री वेडिंग शूट करवाते हैं शादी से पहले। ऐसे ही एक प्री वेडिंग शूट को लेकर राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट में एक हंगामा हो गया है। उदयपुर के कोटड़ा थाने में थानेदार धनपत सिंह का प्री वेडिंग वीडियो अब उनके लिए मुसीबत बन गया है। धनपत का ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि पुलिस प्रशासन को उन्हें नोटिस देना पड़ा। धनपत ने करीब 2.5 महीने पहले अपनी होने वाली पत्नी के साथ पुलिस की जो वर्दी थी उसे पहने हुए प्री वेडिंग शूट करवाया। इस वीडियो के एक सीन में उनकी मुलाकात जब होने वाली पत्नी से होती है तो वो बिना हेलमेट के स्कूटी चला रही होती है। कांस्टेबल उसे रोकता है और फाइन जमा करने को थानेदार से बात करने को कहता है। इसके बाद लड़की थानेदार से रोमांटिक अंदाज में माफी मांगती है तो थानेदार उसे पैसों का इशारा करता है और लड़की उसकी जेब में 500 रुपए रखती है। थानेदार फिर उसे मुस्कुराते हुए चूम लेता है। इस दौरान बैकग्राउंड में बॉलीवुड का गाना बज रहा होता है। अब इसी सीन को लेकर उनकी परेशानियां बढ़ने वाली है। IG लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर हवा सिंह घुमरिया ने इस प्री वेडिंग शूट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है, विभाग के नए नियुक्त पुलिसकर्मी द्वारा ऐसा वीडियो बनवाना ठीक नहीं है। इससे पुलिस की छवि खराब होती है। पुलिस वर्दी के कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसे किसी भी तरह के प्री वेडिंग शूट में पुलिस वर्दी का उपयोग पर बैन लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मामले पर उदयपुर जिला पुलिस के कैप्टन कैलाश विश्नोई ने धनपत सिंह पर विभागीय जांच करने का फैसला लिया है ताकि आगे से कोई भी पुलिस के लोग इस तरह की गलती ना करें। इस सबके साथ पुलिस मुख्यालय ने पुलिस वालों से अपील की है कि पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल कहीं भी ना करें, सोच समझ कर करें, वर्दी की मर्यादा बनी रहे। ये खबर यहीं तक। इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो आपको ललन टॉप पर ज़रूर मिल जाएगी। फॉलो करते रहिए, लाइक करें हमारा पेज फेसबुक पर, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल यूट्यूब पर, और अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हमें वहाँ फॉलो करिए और वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच।